हेलो फ्रेंड्स, साइंस के अंदर बोर्ड के एग्ज़ाम में पास होना बहुत ही इजी है, ऐसा मैं बोलता हूँ। उसका एक रीज़न है जिसमें है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जो है उसका विदाउट जनरल ऑप्शन वेटेज है 6 मार्क्स और विद जनरल ऑप्शन वेटेज है 10 मार्क्स। ये चैप्टर जो है वो है अवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आप कितने सालों से लर्न करते आ रहे हो, 1 to 5 के अंदर तो सब्जेक्ट ही एनवायरनमेंट था, और इसके अंदर के क्वेश्चंस भी आप ऑलरेडी जानते हो। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके ये क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो 10 मार्क्स आप लेके आ सकते हो, पासिंग मार्क इज 26। बाकी बायो के फिगर्स और कुछ क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए वो आप करके जाओगे तो इजीली पास तो हो ही सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइंस में पास होना बहुत ही ईजी है, फेल होना डिफिकल्ट है। चैप्टर नंबर 13 के जो पासिंग के लिए हमें 10 मार्क दे सकता है, उसके सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से करके जाने हैं। कौन से क्वेश्चन है? व्हाट इज इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। यू नो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो कंपोनेंट में आते हैं, और इकोसिस्टम क्या है, 3 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज फूड चेन एंड डिस्क्राइब विद फिगर, 3 to 4 मार्क। व्हाट इज फूड वेब, डिस्क्राइब विद फिगर, 3 to 4 मार्क। ओजोन लेयर डिप्लेशन, 3 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इंपॉर्टेंट एज पर माई ओपिनियन, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क। तो ये 5 ही क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए तो आप 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। पासिंग के लिए 26 मार्क चाहिए। बाकी के बायोलॉजी सेक्शन के अंदर आप थोड़ा रट्टा मार के और थोड़ी फिगर भी प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाओगे तो इजीली 26 मार्क तो आ ही सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मैंने चैप्टर नंबर 1 से 13 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर माय ओपिनियन, द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन एज पर माय ओपिनियन मैंने रखे हैं, वो वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और ये रिवीजन के अंदर खास करके ही जाना जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच।